ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चैप्टर 4 में पार्ट 2 करेंगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर का। ठीक है, पार्ट 1 हम कर चुके हैं। आप जो है आप चौहान वीडियोस में प्लेलिस्ट में जाकर आप बाकी के पार्ट्स भी देख सकते हैं, बाकी पूरा का पूरा कोर्स जो है देख सकते हैं अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो, और देखना चाहते हैं तो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, अब इसमें इस पार्ट में हम एग्जाम्पल्स को कुछ सॉल्व करेंगे। जैसे दे रखा है वन वन डिवाइडेड बाय वन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू प्लस वन डिवाइडेड बाय टू प्लस वन बाय टू। ठीक है, एक के बाद एक सीक्वेंस दे रखा है, तो ये क्यों है कि करने में तो आसान होता है कि मतलब हम देख रहे हैं तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन जब हम पेपर के टाइम पे करेंगे एग्जाम के टाइम पर तो काफी लेंथी होता है, और इस वजह से क्या होता है कि इसमें गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जब प्रेशर हो तो फिर ये जो है क्वेश्चन जो है क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो एक बार हम इसको भी इस तरह के क्वेश्चंस को भी ट्राई करके जरूर देखेंगे आप, ये क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इससे शुरू करेंगे, हम नीचे से जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, और फिर इसको सॉल्व करेंगे, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। इसको करेंगे तो एलसीएम यह टू है और ये टू बाय वन है, अगर कुछ नहीं है तो टू बाय वन है, तो एलसीएम लेंगे इसका तो हो जाएगा टू, तो हो जाएगा फोर प्लस वन। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर वन वन प्लस वन बाय टू प्लस वन बाय फाइव बाय टू, सही है, फाइव बाय टू होना चाहिए। अब ये फाइव बाय टू जो है ये इसका है, तो ये डेनोमिनेटर के भी नीचे है तो ये ऊपर आ जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा हमारा, सही है, यही होगा वन बाय, अब हो जाएगा वन प्लस वन बाय टू प्लस टू बाय फाइव हो जाएगा। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर करेंगे हम सॉल्व, वन बाय वन प्लस एलसीएम लेंगे, ये एक है वन और एक है फाइव, तो एलसीएम आएगा फाइव ही आएगा। ठीक है, वन बाय फाइव और फाइव टू जा टेन, टेन प्लस और टू का टू रहेगा ये, तो हो जाएगा वन बाय वन प्लस वन बाय ट्वेल्व बाय फाइव, वही चीज होगी, अब ये ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा वन बाय वन प्लस फाइव बाय ट्वेल्व। अब इसका भी एलसीएम लेंगे, ये वन है और ये, तो वन बाय हो जाएगा ट्वेल्व, तो हो जाएगा ट्वेल्व प्लस 5 और फिर ये ऊपर आ जाएगा, तो ये आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 12/17, इस तरह से होगा। ठीक है, तो देखा आपने कि अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तभी ये जल्दी से जल्दी हो पाएगा, वरना उस नॉर्मल टाइम में भी 40 से 50 सेकंड कम से कम लेता है अगर हम सही भी क्वेश्चन को करें, तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमें ये दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए माइनस का बी, लेकिन साथ में हमें इन टू का 3 भी दे रखा है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी करने की कोशिश में हम कंफ्यूज ना हो जाएं, और ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर दे रखा है और ए माइनस का बी दे रखा है, इन टू में 3 दे रखा है, तो हम कहीं ये ना लिख दें कि ए प्लस बी इन टू का 3, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये पूरी तरह गलत है। जब हमें हमें क्या दे रखा है, हमें हम बोर्ड डमास का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हमें पहले इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई पहले होता है उसके बाद फिर ये होगा। ठीक है, तो पहले तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64 इनटू का 3 और 15 माइनस का 8 हो जाएगा 7, सही है, तो 225 और 64 3 जा होता है 192 बटे 7 और ये हो जाएगा 225 में से 192 किया तो ये हो जाएगा 33, तो आंसर आ जाएगा 33/7। ठीक है, तो इस तरह से मत कर देना कहीं। ठीक है, इस तरह से नहीं करना। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई है तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा और उसके बाद फिर क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 11/5 माइनस 3/8 ऑफ 4/3 डिवाइडेड बाय 6/7 प्लस 4/3, तो लिखते हैं ये है 11/5 माइनस का 3/8 ऑफ 4/3 डिवाइडेड बाय 6/7 प्लस का 4/3, पहले ऑफ सॉल्व होगा, ब्रैकेट तो है नहीं, 11/5 माइनस का 3/8 इंटू 4/3 डिवाइडेड बाय 6/7 प्लस का 4/3, सही है, तो ये इसमें 3 से 3 कट रहा है और ये भी कट रहा है, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, 11/5 ये बच गया माइनस का 1/2 डिवाइडेड बाय 6/7 प्लस का 4/3। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे पहले 11/5 माइनस का 1/2 इनटू का 7/6। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, रेसिप्रोकल करके सॉल्व कर सकते हैं, वरना अगर आपको दिक्कत हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं, इसको सीधा 6/7 था। ठीक है,
तो ये डेनोमिनेटर के नीचे था और ये इसके ऊपर था, तो ये जो है ये यहाँ आ जाएगा और ये जो है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से करके हम सॉल्व करते हैं। वरना एक सिंपल तरीका जो अभी मैंने किया कि अगर डिवाइड है 6/7 से करना है तो सीधा डिवाइड को हटा के हम मल्टीप्लाई लगाया और ये रेसिप्रोकल कर दिया इसका और फिर सॉल्व कर दिया। ठीक है, एक तरीका ये है। तो आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा तरीके भी आते रहेंगे आपको और तरीके सॉल्व करने में भी आसानी होगी। 11/5 ही रहेगा ये और हो जाएगा माइनस का 7/12 प्लस का 4/3। अब क्या होगा, अब जो है प्लस करेंगे, ऐड पहले होगा और उसके बाद फिर सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, हम इसको और इसको जो है ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 3 15 एलसीएम होगा। ठीक है, तो 11/5 = 55 जमा 5 3 जा होगा, 5 3 जा तो ये 33। ठीक है, ये होगा 33 और ये 4 5 जा तो ये हो जाएगा 20 माइनस का 7/12। आंसर आ जाएगा 53/15 माइनस का 7/12। और सॉल्व करना पड़ेगा, अब इसका भी एलसीएम लेना पड़ेगा। 15 और 12 का एलसीएम आएगा 60 और 60 और ये 53 को सॉल्व करेंगे हम, 53 को हमें करना पड़ेगा 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा 6 और ये 10 3 5 6 3 6 636 माइनस, इसको 15 से करना पड़ेगा, 15 6 90 होता है और 105 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा सीधा 177/60 हमारा हमारा इसी के लगभग जो है आंसर आ जाएगा हमारा। उसके बाद अगला करते हैं, 120/5 माइनस का 2 × 3 + 4/2। ठीक है, तो पहले जो कर है ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 120/5 बाकी ऐसे रहेंगे, माइनस का 2 × 3 और ब्रैकेट के अंदर भी डिवाइड पहले करना है तो प्लस का 2 हो जाएगा, 2 से 4/2 आ जाएगा। 120/5 माइनस का 2 × 3 + 2 = 5 और 5 के बाद ब्रैकेट खोल देंगे, 120 और यह पहले डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4 माइनस का 2 × 5 = 5। अब पहले पहले क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई होगा 25 माइनस का 10 और ये हो जाएगा 14 जो है हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें और भी ज़्यादा क्वेश्चन, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतने ज़्यादा ये सॉल्व होता रहेगा, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो और क्वेश्चन जो है आप सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम चैप्टर 5 पे कर चलते हैं।